हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 11.3। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में समतल के अभिलंब के दीप कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। नंबर क्या है? वन है, वन का ए। गिवन है, पहले यहां है कि दीप कोसाइन निकालना है और मूल बिंदु दिया है ओरिजिन ओ, जीरो जीरो जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो है, y इक्वल टू जीरो है, z इक्वल टू क्या है? जीरो। वन का a दिया है, एक प्लेन है और उस प्लेन का नाम जो है z इक्वल टू टू है। z इक्वल टू क्या है? टू है। हम इसको लिखेंगे क्या? पहले देखना है कि डायरेक्शन को साइन निकालना है, तो एक प्लेन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जब इसको डायरेक्शन रेशियो देखेंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? ए बी और सी होगा। इस प्लेन का क्या है? ये दूरी है डी, मतलब क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएंगे। जब डायरेक्शन रेशियो क्या मिलेगा? ए बी, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे, तो एक्स का कोफिशियंट ए, वाई का कोफिशियंट बी और जेड का कोफिशियंट सी, और इसको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियो। इस प्लेन को हम लिख सकते हैं एक्स जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। जीरो इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अब प्लस जेड माइनस टू फिर भी क्या मिलेगा? ये मिलेगा जीरो प्लस जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो, जेड बराबर टू, फिर भी क्या है? जेड इक्वल टू टू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ए प्लेन है, इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो हम क्या बोलेंगे? एक्स का कोफिशियंट जीरो है, वाई के कोफिशियंट जीरो है, जेड का कोफिशियंट क्या है? वन है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या मिलेगा? जीरो जीरो और जेड का कोफिशियंट वन होगा। अब यहां से लिखेंगे ये जो d है, d इक्वल टू क्या है? माइनस टू है। d इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस टू होगा। अब आगे चलेंगे तो लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन को साइन निकालेंगे तो ये होगा जीरो बट्टा अंडर रूट जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। किन नंबर लिखेंगे? टू का, तो टू क्या है? जीरो है, और अंडर जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वन बटा लिखेंगे जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, जीरो बटा जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो मिलेगा, प्लस जीरो का जब स्क्वायर करेंगे जीरो मिलेगा, प्लस और फिर वन का स्क्वायर वन मिलेगा, जीरो प्लस जीरो प्लस वन कमा जीरो बटा अंडर रूट जीरो स्क्वायर जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा प्लस वन, वन बटा जीरो प्लस वन मिलेगा। आगे बढ़ेंगे ये हो जाएगा जीरो बटा जीरो प्लस जीरो प्लस वन, जीरो प्लस जीरो प्लस वन इक्वल टू वन मिलेगा, जीरो बटा रूट क्या मिलेगा? वन मिलेगा, और यहाँ वन बटा रूट वन, वन का रूट क्या होगा? वन होगा, तो जीरो बटा क्या होगा? वन, यहाँ पे क्या होगा? जीरो बटा वन
और यहाँ लिखेंगे वन बटा वन। जब जीरो से वन में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो से वन में डिवाइड कर क्या करेगा तो जीरो मिलेगा, वन बाई वन। ये मिला क्या, डायरेक्शन कोसाइन मिला। इस प्लेन का जेड इक्वल टू टू एक प्लेन है और इस प्लेन का जो डायरेक्शन कोसाइन मिला जीरो जीरो वन मिला, जीरो जीरो वन मिला। अगला बोला है कि इस प्लेन का मान से ए मेरा प्लेन है और ए प्लेन क्या है, जेड इक्वल टू क्या है, टू है। ये जो प्लेन है जेड इक्वल टू क्या है, टू है और ए मूल बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पे मूल बिंदु है, अगर मूल बिंदु क्या रहेगा, मूल बिंदु होगा जीरो जीरो जीरो। तो ए मूल बिंदु और इस प्लेन का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस क्या होता है, डी इक्वल टू जीरो होता है। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अबटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का सभी का मोड होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में हम लोग देख लेंगे ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। दूसरा कंडीशन पूछा है कि मूल बिंदु से उस प्लेन के बीच की दूरी क्या होगा, सेकेंड पार्ट देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बटा ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सभी का हम लोग क्या ले लेंगे, मोड लेंगे। इसको हम डी से लिख सकते हैं, ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन से देखेंगे कि ए का वैल्यू क्या होगा। ए का वैल्यू मतलब क्या होगा, जीरो होगा। बी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और जेड का वैल्यू क्या होगा, वन होगा। यहाँ लिखेंगे जीरो। एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से। एक्स का वैल्यू मूल बिंदु से। वाई का भी वैल्यू क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से। और जेड का भी वैल्यू क्या रखेंगे, मूल बिंदु से। तो ये हो जाएगा जीरो प्लस बी इक्वल टू, बी का वैल्यू क्या है, जीरो इंटू वाई इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो बीच में प्लस होगा। सी, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू यहाँ से लेंगे तो वन मिलेगा, वन। और जेड का वैल्यू क्या है, जीरो। फिर क्या होगा, प्लस है। डी इक्वल टू, डी इक्वल टू देखेंगे क्या है, माइनस है। डी इक्वल टू क्या है, माइनस टू है। तो हम यहाँ से लिखेंगे माइनस टू लिखेंगे, सभी का मोड बटा ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर करने का मतलब जीरो का स्क्वायर प्लस क्या होगा, जीरो का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, वन। ए का वैल्यू जीरो, बी का वैल्यू जीरो और सी का वैल्यू वन। तो ये हो जाएगा जीरो स्क्वायर और प्लस वन स्क्वायर। डी इक्वल टू सोल्व करेंगे तो ये जीरो मिलेगा, ए भी जीरो और मिलेगा माइनस टू। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस टू और यहाँ से होगा जीरो प्लस वन होगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस टू मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस टू। जीरो प्लस जीरो प्लस क्या होगा, वन। ए वन हो जाएगा, वन का रूट कितना होता है, वन होता है। तो ए हो जाएगा माइनस टू बटा वन और डिवाइड करेंगे माइनस टू और मोड से बाहर निकालेगा तो क्या मिलेगा, टू। और टू यूनिट साइन, क्योंकि डिस्टेंस का जो असाइनमेंट होता है या तो सेंटीमीटर या तो मीटर में होगा, यहाँ तो सेंटीमीटर और मीटर दिया नहीं है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे। तो एक प्लेन दिया रहेगा और एक प्लेन का अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन देखेंगे तो उस प्लेन से पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद सीधा क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे, ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। दूसरे कंडीशन पूछा है कि ए प्लेन और उसके जो ओरिजिन होता है मूल बिंदु के बीच का कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मोड हो जाएगा। ए का वैल्यू कहाँ से रखना है, इस प्लेन सारे ए का वैल्यू रखेंगे। एक्स का कोफिशियंट जीरो, ए का काम करेगा। वाई का कोफिशियंट, बी का काम करेगा तो बी को जीरो मिलेगा। जेड का कोफिशियंट, सी का काम करेगा, इसका क्या है, वन है। और माइनस डी इक्वल टू बारह डी का काम करेगा,
उसी के बाद फिर क्या करेंगे, जीरो का स्क्वायर करेंगे, बी का वैल्यू जीरो है और सी का वैल्यू वन है, इसको सोल्व करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा टू, और ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसके बाद वाला नंबर देखेंगे टू देखेंगे, तो नंबर टू क्या है, नंबर टू देखेंगे, नंबर बी, बी दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन, यह प्लेन दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन है। इस प्लेन को हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियो देखेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन, एक्स का कोफिशियंट क्या है वन है, वाई का कोफिशियंट क्या है वन है, जेड का कोफिशियंट क्या है वन है, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, तो जब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, पहला के निकालेंगे तो वन बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, मतलब ए का वन स्क्वायर फिर बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, जैसे वन बटा ये तीनों का हम लोग स्क्वायर करके ऐड किया जाएगा, ठीक है, दूसरा वन बटा फिर यहाँ क्या होगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, फिर वन बटा क्या होगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। आप इसको बता सकते हैं कि वन का स्क्वायर वन ही होगा, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, तो आगे बढ़ेंगे तो वन बटा क्या मिलेगा वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन, वन का जब स्क्वायर करेंगे तो वन, यहां भी वन प्लस वन, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा वन बटा अंडर रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री और वन बाय रूट थ्री, यह प्लेन का ए जो निकला डायरेक्शन कोसाइन निकला, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का ये कंडीशन होता है कि पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो पता कर लेंगे और डायरेक्शन रेशियो पता करने के बाद डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे, तो पहला लिखेंगे तो पहला वाला वन है और तीनों का स्क्वायर करेंगे कामा देंगे, दूसरे वाले को ऊपर लिखेंगे और तीनों का स्क्वायर करके रूट के नीचे कर देंगे, उसके बाद तीसरा क्या है वन है और तीनों का स्क्वायर रूट में रहेगा, वन का स्क्वायर वन होता है, वन होता है इसको जोड़ेंगे तो रूट थ्री, रूट थ्री और रूट थ्री। एक इसमें खास बात होता है डायरेक्शन कोसाइन में, एक खास बात होता है डायरेक्शन कोसाइन में, ये जो बाटा आता है तीनों का हमेशा इक्वल होता है, अगर इसके बाटा में रूट थ्री है यहाँ भी रूट थ्री आएगा और यहाँ भी क्या आएगा रूट थ्री आएगा। नंबर टू है देखिए, दूसरे भाग में बोला है कि वो प्लेन और मूल बिंदु के बीच की कितनी दूरी है, ठीक है, एक प्लेन है और वह जो प्लेन है मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल टू होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस बी बटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और इसको हम रूट में लिखेंगे सभी का मोड लिखेंगे बी इक्वल टू। देखिए ए का वैल्यू, ए का वैल्यू हमेशा क्या है कि डायरेक्शन रेशियो से आप ले लीजिए, डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या है वन है, दूसरा क्या है फिर वन है और तीसरा भी क्या है वन है, तो ए का काम किया बी का काम किया और सी का काम किया और डी इक्वल टू क्या है माइनस वन है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है जीरो जीरो है, तो आप यहां से रखिएगा वन इंटू जीरो प्लस वन इंटू जीरो, सी का वैल्यू क्या है वन इंटू जीरो प्लस होगा, डी इक्वल टू क्या है माइनस वन है बट्टा। अब देखिए ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर कहां से लेना है डायरेक्शन रेशियो से ले लीजिए, ए का वैल्यू बी का वैल्यू और सी का वैल्यू, तो यहां होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर इक्वल टू वन मतलब वन का स्क्वायर, डी इक्वल टू देखिए वन गुने जीरो जीरो होगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो और प्लस माइनस माइनस वन बट्टा वन प्लस वन प्लस वन,
जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा माइनस वन और बटा क्या होगा रूट थ्री। जब मोड से या बाहर निकलेगा तो क्या दे देगा प्लस, और वैसे भी डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है। इतना क्या मिल गया इकाई। तो कोई भी प्लेन दिया रहेगा उस प्लेन का हमको क्या करना है डायरेक्शन रेशियो निकाल देना है। डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद डायरेक्शन को साइड लेने का कंडीशन होता है, बाकी हम डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस एक फॉर्मूला होता है। टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ले सी इक्वल टू दिया है। टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड इक्वल टू फाइव। हम इसको लिख सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। आप बताइए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा जी, ए टू होगा थ्री होगा और एक माइनस क्या हो गया वन। D इक्वल टू क्या है तो D इक्वल टू माइनस फाइव। आपको नहीं लिखने आएगा तो AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू ये क्या होता है जीरो होता है। यह कंडीशन किसका है प्लेन का समीकरण है, समतल का समीकरण है। अगर इस दोनों का हम तुलना करेंगे तो A इक्वल टू टू देगा, B इक्वल टू थ्री और C इक्वल टू माइनस वन दे देगा। D इक्वल टू क्या है यहाँ प्लस है ये माइनस है तो D के जगह पर माइनस फाइव है। ये मेरा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के बाद क्या निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन बताइए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा टू बटा टू का स्क्वायर करेंगे प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे। थ्री बटा टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन बटा टू स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो टू बटा इसका स्क्वायर करके बोलिए दो का स्क्वायर चार थ्री का स्क्वायर नाइन और प्लस वन। थ्री बटा यहां भी वही रहेगा फोर प्लस नाइन प्लस वन माइनस वन ये होगा फोर प्लस तीन थ्री के नौ प्लस वन। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा टू बटा नौ और एक दस दस हजार चौदह और रूट यहां भी क्या होगा चौदह और माइनस वन बटा रूट क्या होगा चौदह। ए हो गया पहला आंसर। ए मिल गया डायरेक्शन कोसाइन। इस प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन क्या मिला टू बाई रूट चौदह थ्री बटा क्या है रूट फोर्टीन है और माइनस वन बाई क्या है रूट चौदह। दूसरा कंडीशन में पूछा क्या है कि वह प्लेन ए जो प्लेन है और ये मूल बिंदु है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस हम लगाने के लिए यही फॉर्मूला लेंगे डी इक्वल टू ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू। आप बोलिए सर डायरेक्शन रेशियो से ले लीजिए टू थ्री माइनस वन होगा या तो ए का वैल्यू टू काम करेगा बी का वैल्यू थ्री और यहां से सी का वैल्यू माइनस वन काम करेगा। एक्स का वैल्यू जीरो 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 तो आप इसको लिखिएगा टू गुने जीरो प्लस थ्री गुने जीरो माइनस वन इंटू क्या होगा जीरो और डी का वैल्यू क्या है माइनस फाइव है बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर। डी इक्वल टू क्या मिलेगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो और माइनस फाइव बटा फोर प्लस नाइन और प्लस वन हो जाएगा। डी इक्वल टू ऊपर जोड़ेंगे तो माइनस फाइव और नीचे अगर जोड़ेंगे तो रूट कितना मिलेगा फोर्टीन मिलेगा और डी इक्वल टू फाइव बट्टा क्या होगा रूट फोर्टीन। ये क्या मिला यूनिट्स। ये नंबर सी होगा। अब नंबर हम लोग क्या करेंगे डी चलेंगे। तो इसी टाइप का भी डी है। डी बोला है कि 5y प्लस 8 इक्वल टू जीरो है। नंबर क्या चलेंगे डी डी। तो ए है
वाई, 5y + 8 = 0, 5y + 8 = 0। इस प्लेन को हम लिख सकते हैं 0x + 5y + 0z + 8 = 0, आसान पड़ेगा लिखने में। अब बताइए डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो डायरेक्शन रेशियो बोलिएगा सर a0 और a5 और ये क्या मिलेगा 0। d का वैल्यू क्या है +8 है, a का वैल्यू क्या है +8 है। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्शन क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने की कंडीशन क्या है, पहला लिखेंगे 0 बटा में रूट करेंगे 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर लिखेंगे 5 बटा, यहाँ से भी वही काम करेंगे 0 स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25 होगा 0 होगा, 0 बटा इतना लिखेंगे 0 + 25 और प्लस क्या होगा 0, आप इसको जोड़िएगा तो 0 बटा क्या होगा 0 + 25 + 25 जोड़िएगे तो रूट क्या आएगा 25 मिलेगा, 5 बटा कितना मिलेगा 25 रूट मिलेगा और 0 बटा क्या मिलेगा √25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0/5 आएगा, ये क्या मिलेगा हमें 5/5 और 0/ क्या मिलेगा 5, ये तो कट जाएगा 0 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, 5 कट करके 1 मिला और यहाँ भी क्या मिलेगा 0, ये मिल गया डायरेक्शन, ये मिला डायरेक्शन कोसाइन, मिला डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इस मूल बिंदु है और एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो d = यही फॉर्मूला होता है। आप बताइए a का वैल्यू डायरेक्शन रेशियो से ले लीजिए, डायरेक्शन रेशियो क्या है 0 है, तो 0 × 0 + 5 × 0, c का वैल्यू क्या लिखेंगे 0 × 0 और d का वैल्यू क्या है +8 / √ 0 स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, d = 0 + 0 + 0 + 8 और बटा क्या होगा 0 + 25 + 0, जोड़ेंगे तो d = कितना आएगा 8/√25 और इसको t = 8/3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ये हो गया प्लेन और मूल बिंदु के बीच का डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो ए मिला हमें, वन का ए था, बी था, सी था और डी था, ठीक है, तो ए बी सी और डी तीनों एक ही जैसा बनेगा। अब हम लोग नंबर देखते हैं 2, नंबर क्या है तुम्हें बोला है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश केतना पर लंब है। देखिए तो लिखेंगे गिवन दैट, देखिए डिस्टेंस आपके पास दिया है, डिस्टेंस कितना है बताइए, d = कितना दिया है 7 यूनिट्स, ठीक है, d = कितना दिया है 7 यूनिट्स है। एक वेक्टर दिया है, नॉर्मल वेक्टर है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे n वेक्टर लिखेंगे, लेट मान लेते हैं, लेट माना n वेक्टर = 3i कैप है, 3i कैप, 5j कैप और माइनस क्या है 6k कैप। अब आगे बढ़ेंगे, देखो जो समतल का समीकरण होता है सदिश रूप में वो होता है, देखिए हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए
प्लेन, ठीक है। एन किस में? वेक्टर फॉर्म में। आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये देखो समतल का क्या है? समीकरण है। समतल क्या क्या है? समीकरण है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आर को पोजीशन वेक्टर है, आर तो क्या है? पोजीशन वेक्टर है, तो आर तो हम लोग रख सकते हैं कि आर। लेकिन एन क्या है? एन क्या है? इकाई सदिश है। एन क्या है? इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। तो इकाई सदिश निकालने की कंडीशन होता है, कोई भी वेक्टर दिया है तो इकाई सदिश कैसे निकालेंगे? इस वेक्टर को ऊपर रखेंगे और बटा सभी का क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आप +6 का, -6 का स्क्वायर करेंगे, रूट में रखेंगे, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। आप बताते हैं सर ये डी का तो वैल्यू क्या है? 7 है, ये तो आंसर हो गया। बात तो सही है कि आंसर हो गया, लेकिन एन कैप कैसे निकलेगा? अब लिखेंगे यहां से नाउ, अब क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर एलाउ किससे? एन वेक्टर से। तो जो एन कैप होगा वो होगा एन वेक्टर मोड ऑफ एन वेक्टर होगा। एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर कितना है जी, आप बताइए। तो ये क्या है? 3i कैप +5j कैप और -6 क्या होगा? k कैप होगा। बटा मोड, मोड कहने के मतलब कोई भी वेक्टर का अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो होता है परिमाण, ठीक है। तो होता है क्या? परिमाण होता है। जैसे ये 3 का स्क्वायर करेंगे +5 का स्क्वायर करेंगे और -6 का स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एन कैप इक्वल टू तो लिखिएगा 3i कैप +5j कैप -6k कैप हो जाएगा। बटा अब बताइए आप, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और ये क्या होगा? 3, 6। अब ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या मिलेगा बताइए? एन कैप इक्वल टू ये होगा 3i कैप +5j कैप -6k कैप होगा। बट आप देखिए बता, अब ये दोनों का जोड़ेंगे तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा? 61 होगा। और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 70। ये होगा 70 रूट में। अब हमें निकल गया क्या? निकल गया बताइए, एन कैप निकल गया। क्या निकल गया? एन कैप यानी कि इकाई सदिश निकल गया। और इसी इकाई सदिश को हमें कहा रखना? इसके जगह पे रख देंगे। रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3i कैप +5j कैप -6k कैप हो जाएगा। बटा और रूट बताइए कि कितना होगा? 70। और ये कंडीशन क्या हो गया? यही निकल गया समतल का समीकरण। सदिश रूप में हो गया है। तो देखो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस क्या है? दिया है। और एक वहां पे नॉर्मल वेक्टर दिया है, ठीक है। वो क्या है? नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर जब दिया है तो उसी वेक्टर से हम लोग क्या निकाल देंगे? यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकल जाएगा तो एक देखो प्लेन का समीकरण होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप में एन कैप इक्वल टू डी, डी इक्वल टू 7 है और एन कैप इक्वल टू निकाल करके रख देना, यह प्लेन का क्या हो गया? समीकरण। पहले इसको देख लेते हैं, आपका समतल का समीकरण दिया है और वह समीकरण वेक्टर कंडीशन में है। देखिए पहला दिया है V-Vendat, हम क्या लिखेंगे? R वेक्टर डॉट I कैप प्लस J कैप माइनस A कैप और इक्वल टू क्या है? 2। नंबर 2 क्या है? नंबर B वाला है। तो R वेक्टर डॉट I 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप इक्वल टू 1 है, ये दिया। उसके बाद नंबर क्या है? सी चलेंगे, सी देख लेते हैं बाद में इसको देखते हैं। कि जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस क्या होगा? z कैप होगा। अब इस पोजीशन वेक्टर में हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? आर के जगह पर क्या रखेंगे? इसलिए
एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो जाएगा डॉट, यहाँ क्या है आई प्लस जे माइनस के है, सभी के ऊपर कैप है इक्वल टू टू है। अब इसको सोल्व करेंगे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ हम लोग डॉट करवाएंगे, तो आई डॉट आई इक्वल टू वन, जे डॉट जे इक्वल टू वन और के डॉट के इक्वल टू वन होता है। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डॉट करवाना है एक्स मिलेगा प्लस वाई मिलेगा और माइनस जेड इक्वल टू क्या होंगे आई टू, और इसी समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे प्लेन का ये समीकरण है, इसमें कार्टेशियन इसको लिख सकते हैं, दिस इज क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है ये क्या होगा कार्टेशियन, ठीक है तो यह समतल का समीकरण है किसे कार्तीय रूप में। दूसरा कंडीशन है आर का वैल्यू क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर तो रख देना है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या हो जाएगा जेड के कैप डॉट, यहां से क्या लिखेंगे टू आई प्लस थ्री जे और माइनस फोर के कैप आर इक्वल टू वन होगा। आई वाले को आई के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा आई डॉट आई इक्वल टू वन, तो टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस जे डॉट जे इक्वल टू वन, तो वाई इंटू थ्री तो थ्री वन और माइनस फोर जेड इक्वल टू क्या होगा वन, यह हो गया प्लेन का समीकरण। सी नंबर है आपका, सी दिया है आर वेक्टर डॉट, यहां देखिए दिया है आपको एस माइनस टू टी आई के प्लस थ्री माइनस टी जे के प्लस टू एस प्लस टी है और के कैप इक्वल टू क्या है देखो ये दिया है। ये बताइए आर क्या है पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या हो जाएगा के कैप होगा, सामने देखिए यहाँ पे रखा हुआ है कि आर इक्वल टू क्या दिया है, सभी जगह आर का वैल्यू यही रखेंगे, यहाँ से डॉट करवाइए देखिए एस माइनस टू टी आई कैप प्लस थ्री माइनस टी जे कैप प्लस टू एस प्लस टी के कैप इक्वल टू क्या है एक्स इंटू। अब देखो आई वाले को आई के साथ करवाएंगे आई डॉट आई इक्वल टू वन, तो ए क्या मिलेगा एक्स इंटू एस माइनस टू टी मिलेगा प्लस होगा, वाई वाले को देखिए जेड वाले क्या आई वन जे वाले को जे के साथ करवाएंगे तो वाई इंटू थ्री माइनस टी मिलेगा प्लस हो जाएगा, के वाले को के साथ जेड इंटू टू एस प्लस क्या हो जाएगा वन और इक्वल टू ये पंद्रह, यही इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एक क्या मिल गया हमें प्लेन का समीकरण मिला, दिस इज क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक